ओएलएक्स पर चोरी की बाइकों की सेल मंडी में लगातार बाइक चोर गिरोह। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के चार सदस्यों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों से चोरी की 25 बाइक्स भी बरामद। नोएडा दिल्ली गाजियाबाद से बाइकों को चोरी करते थे। चोरी की बाइकों का हुलिया चेचिस और रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर ओएलएक्स पर लगाते थे चोरी की बाइकों की सेल। बुलंदशहर कोतवाली देहात की मंडी चौकी पुलिस और स्वाट टीम को अनूपशहर रोड पर बम्बे के पास मिली बड़ी सफलता। चौकी पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए सर बहुत सारी मोटरसाइकिल बरामद की है, चोरी क्या पूरा मामला? देखिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि पुलिस बुलंदशहर की है जिसमें कुल 24 वाहन बरामद किए गए हैं 24, जिसमें से 2 बुलेट मोटरसाइकिलें हैं, 21 मोटरसाइकिलें हैं और 1 स्कूटी है। 4 सदस्यीय अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिनकी निशानदेही पर मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और ये गिरफ्तार अभियुक्त जो है उनमें से 1 हापुड़ हाफिजपुर थाना का है, 1 किठौर मेरठ का है, 2 जनपद गाजियाबाद के हैं। उल्लेखनीय यह है कि जो 24 गाड़ियां बरामद हुई हैं इनमें से 15 गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं जहां से चोरी की हैं। ये सभी गाड़ियां गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जनपद से चोरी की गई हैं। उल्लेखनीय यह है कि यह बहुत ही साचराना अंदाज में घटना को कारित करते हैं और पूछताछ में इन्होंने बताया कि चोरी की गई कुछ मोटरसाइकिलों में आरसी जो है रखी हुई मिल जाती है। कई बार गाड़ी मालिक अपनी आरसी गाड़ी में ही रखता है और उस आरसी को ये ओलेक्स पे डाल देते हैं। ओलेक्स पे ग्राहक मिल जाता है तो गाड़ी मालिक के नाम व पते का एक नया आधार कार्ड बनाकर अपने अन्य 3-4 साथियों के साथ मिल करके ये स्वयं गाड़ी मालिक बनकर ग्राहक को मोटरसाइकिल बेच देते हैं। तो इस तरह से इनका ये तरीका गाड़ियों के बेचने का है। इस जनपद में ये गाड़ियाँ इकट्ठा की गई थी बेचने के इरादे से और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें से अभियुक्त दानिश उर्फ समीर जो मेरठ किठौर का रहने वाला है इसके खिलाफ 13 मुकदमे पूर्व से हैं। ज़्यादातर मुकदमे हापुड़ और गाजियाबाद के हैं और सभी मुकदमे वाहन चोरी से संबंधित हैं। दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त बाबू सिंह उर्फ अजय ये हापुड़ हाफिजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके खिलाफ 3 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं और शेष 2 अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हैं इनके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। और उल्लेखनीय यह है कि ये जो भी गाड़ियां चुराते हैं उनके पेपर्स तैयार करते हैं और फिर उनको बेच देते हैं और एक ही नंबर की कई गाड़ियां चलती हुई मिल गई हैं। जैसे जो गाड़ी वास्तव में ओरिजिनली कहीं न कहीं लोगों के पास है उसका नंबर डालते हैं, फर्जी आरसी तैयार करते हैं और किसी खरीदने वाले को बेच देते हैं। तो खरीदने वाला हमेशा इस भ्रम में रहता है कि वो ओरिजिनल मालिक से गाड़ी खरीद रहा है। सर फर्जी आधार कार्ड भी पकड़े गए? हाँ, ये फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। जो गाड़ी की आरसी मिल गई तो जिसके नाम पते से वो आरसी है उस व्यक्ति के नाम पते की फर्जी आधार कार्ड तैयार करके ओरिजिनल सेलर बन करके बेचते हैं ताकि सामने वाला भ्रम में रहे और इसकी अच्छी कीमतें वसूल सके। ठीक है सर।